जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह उस दिन से जुड़ा हुआ है जब आचार्य भगवंत ने प्रथम बार उड़ीसा में आगमन किया। तो दोस्तों, सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी से आचार्य भगवंत का वर्षायोग संपन्न हुआ और उसके उपरांत 2 दिसंबर 1982 को आचार्य भगवंत ने वहां से विहार कर बंडा, दमोह, कटनी आदि स्थानों से होते हुए ईसरी के बाद 24 जनवरी 1983 को आचार्य संघ शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की वंदनार्थ हेतु मधुवन पहुंचे। अब वहां से आकर गुरुदेव ने ईसरी नगर में ग्रीष्मकालीन वाचना एवं वर्षा योग पूर्ण किया और इसके बाद 6 नवंबर सन 1983 को विहार कर गुरुदेव पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की ओर बढ़ गए। दोस्तों, कलकत्ता में कार्तिक पूर्णिमा की ऐतिहासिक रथ यात्रा संपन्न होने के बाद कलकत्ता से खंडगिरी, उदयगिरी तीर्थ क्षेत्र भुवनेश्वर उड़ीसा की वंदनार्थ हेतु आचार्य संघ उड़ीसा पहुंच गए। दोस्तों, तदुपरांत कटक होकर अंगुल नगर उड़ीसा के आसपास किसी ग्राम में आचार्य संघ के आहारचर्या संपन्न हुई और हमेशा की तरह आहारचर्या के बाद सारा संघ समायक में लीन हो गया। और जब सारा संघ समायक में लीन हो गया, तभी कलकत्ता के कुछ श्रावकों को जो गुरुदेव के साथ विहार में आए थे, उन्हें पता चला कि उस ग्राम जहां आचार्य भगवंत उस समय विराजमान थे, उस ग्राम के कुछ जैनेतर बंधुओं ने दिगंबर साधुओं के ऊपर लाठी से मारने की योजना बनाई है। और दोस्तों, जैसी यह खबर कलकत्ता के वासियों को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही कुछ पुलिस फोर्स को लेकर वहां उस ग्राम में पहुंच गए जहां पूरा संघ उपस्थित था। दोस्तों, सारी पुलिस फोर्स और सारे लोगों ने मिलकर आचार्य संघ को बाहर ना निकलने का निवेदन किया। जहां संघ समायक कर रहा था वहां पर उस गेट पर ताला भी डाल दिया जिससे संघ को कोई भी प्रकार की हानि ना हो पाए। और इसके बाद आचार्य भगवंत तो उस समय असमायक पर लीन थे तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। और जब आचार्य भगवंत और संघ का समायक पूर्ण हुआ, तब गुरुदेव को जब सारी बात पता चली तो गुरुदेव बोले, कुछ नहीं होगा, आप ताला खोलिए। परंतु श्रावक तो डरे हुए थे, उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ताला खोल दिया तो कुछ हो ना जाए, कुछ अनहोनी ना घट जाए। परंतु गुरुदेव ने पुनः इशारा किया और सख्त होकर ताला खोलने का पीछे से इशारा किया। लेकिन गुरुदेव के इस आदेश के बाद तो श्रावकों को ताला खोलना ही था, सो उन्होंने ताला खोला। अब आचार्य भगवंत स्वयं सबसे आगे हो गए और सारे संघ को एवं श्रावकों को अपने पीछे रखा और आदेश दिया, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर आचार्य भगवंत कमरे से बाहर निकले तो देखा पूरी सड़क पर जैनेतर बंधुओं हाथ में लाठी लिए खड़े हुए थे। और दोस्तों, जैसे ही आचार्य भगवंत ने अपनी मात्र एक दृष्टि से उन सभी बंधुओं को देखा तो माने वे सभी सड़क के दोनों ओर भागों में विभाजित हो गए और बीच का जो मार्ग था वह खाली कर दिया। और फिर आचार्य भगवंत ने अपनी पिच्छी ऊपर उठाकर 3 बार उनके सामने घुमाई और सब एकदम ही देखते देखते शांत हो गए और हाथों की लाठियां नीचे रख दी। और इसके बाद सारा संघ बहुत आराम से वहां से निकल गया। तो दोस्तों, देखा आपने आचार्य भगवंत की शक्ति को, आपने देखा किस तरह आचार्य भगवंत के सामने बड़ा सा बड़ा आतंकी भी, बड़ा से बड़ा नक्सली भी, कोई भी क्यों ना हो, आचार्य भगवंत की शांत मुद्रा को देखकर अपने आप सबके भाव शांत हो जाया करते हैं। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ।
तब तक हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।